back to my YouTube channel Life Aajkal Vlogs in Makar Sankranti Special Episode 2. Okay friends, आज है मकर संक्रांति और हम कुर्मियों के जीवन में मकर संक्रांति यानी टुसु पर्व का कितना महत्व है ये मेरे पिछले वीडियो में दीपक पुनरियार जी ने पहले ही इसका विस्तार से विश्लेषण कर दिया है। तो आज जस्ट मैं आपको थोड़ी सी संक्षेप में इसके बारे में बताना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, कुड़मालिक समुदाय के जो लोग हैं उनमें उसमें जो चासबास जो करते हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं, वो एक महीना पहले ही टुसु रूपी धान को अपने घर में लाते हैं और आज उसका विसर्जन कर देते हैं ठीक एक महीने के बाद, और इसे ही हम मकर संक्रांति यानी टुसु पर्व के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, टुसु का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। लड़कियां नाच गाकर उनका विसर्जन करती हैं और टुसु गीत के माध्यम से वो टुसु से कहती हैं कि हमने एक महीने तक तुम्हें अपने घर में रखा है, तो अब समय आ गया है कि तुम अपने ससुराल यानी कि पानी में लौट जाओ, और बस ऐसे ही उनकी विदाई दी जाती है। फ्रेंड्स, किसान धान रूपी टुसु को अपने घर में लाकर स्थापित करता है। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानता है और लड़कियां उसे अपनी बहन की तरह मानता है। तो पूरा पूस भर जो है टुसु की श्रद्धा में, उसके आदर में टुसु गीत गाए जाते हैं और नाच गान करके टुसु पर्व को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी कुड़मालिक संस्कृति के अनुसार हम लोग आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग नदी में जाकर के नहाते हैं और खान पान भी हम लोग का बाहर ही होता है यानी कि नदी में ही होता है। तो ये देखिए, मैंने सारी जो भी सामग्री है वहाँ ले जाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े और खाने पीने के का जो भी सामान है वो सारा मैंने ले लिया है, बस पैकिंग करना बाकी है। तो अब मैं इसे पैकिंग कर लूँगा। पैन में हम लोग डालेंगे अपने खाने पीने की सामग्री को, मीठा, मूढ़ी, और ये है मटर वाली घुगनी, सब चीज है यहाँ पे मिक्सचर। और ये हम लोग बॉटल में पानी भी लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारी सारी पैकिंग हो चुके हैं, अब चलते हैं नदी। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग नदी में पहुंच गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नहाने के बाद जो है हम लोग घाट पे ही हम लोग पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। हेलो गाइस, यू कैन सी हाउ दे आर कंज्यूमिंग लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर्स। हैव अ लुक एट देम, हाउ दे आर एंजॉयिंग। See the stuffs they are enjoying. Okay friends, तो ये था आज का हमारा वीडियो मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड 2 इन कुर्मी स्टाइल। आपने मकर संक्रांति कैसे मनाया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो अपने पूर्वजों को याद करके करते हैं। तो ये देखिए, आज मकर संक्रांति के दिन हम लोग थोड़ा सा पीठा अपने पूर्वजों को याद कर उनके नाम पे थोड़ा सा पीठा हम लोग चढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, मकर पर्व के दिन हम लोग मकर पानी का छींटा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में यह मकर पानी का छींटा देने से घर की सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरी मदर और मेरी सास जो है वो मकर पानी का छींटा दे रही है। फ्रेंड्स, ये हम लोग का पूजा रूम है और तुलसी स्थान में पानी का छींटा देने के बाद हम लोग यहाँ पूजा रूम में मकर पानी का छींटा देंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग पूरे घर में भी हम लोग मकर पानी का छींटा देंगे।